नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, अगर पूरी देखते हैं तभी इसका फायदा हो पाएगा। दोस्तों, मनुष्य जाति के लिए वरदान है ये पत्थर चट्टी का पत्ता। अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आपको चुपके से इसे तोड़ लेना है। आपको जन्मों जन्म तक कभी नहीं होगी पत्थरी। दोस्तों, हमारा देश भारत तरह तरह की वनस्पति से भरा पड़ा है। दोस्तों, आप ये पत्थर चट्टा के पत्ते दिख रहे हैं, ये आपकी लाखों का बिल बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके इतने फायदे हैं, पुरुषों में जो पत्थरी हो जाती है, इसके अलावा जो महिलाओं में पत्थरी हो जाती है, वजिनल इन्फेक्शन हो जाता है, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर आपको आ जाती है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में ये बहुत ज्यादा कारगर है, पत्थर चट्टा के पत्ते। दोस्तों, ये हार्ट ब्लॉकेज को पूरी तरीके से खत्म करने में बहुत ही ज्यादा उत्तीर्ण है। बस आपको प्रयोग करने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग समस्याओं में आपको अलग अलग तरीके से इसका सेवन करना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं किससे हमको फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, पत्थर चट्टे का प्रयोग आज से नहीं, कई सालों पहले से करते आए हैं। और दोस्तों, ये किन किन विभिन्न बीमारियों में किस किस तरीके से इसका फायदा उठाना है। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, बस हमारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी वीडियोस का लाभ उठा पाए। दोस्तों, अगर हम पत्थर चट्टा के पहले फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मूत्र विकारों के बारे में और सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दोस्तों, आप या आपके किसी भी बंधुओं को मूत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको या आपके घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग को इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो दोस्तों इसमें पत्थर चट्टा का पत्ता बहुत ही ज्यादा कारगरशील है। दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे इसका यूज करना होगा। दोस्तों, आपको पत्थर चट्टे का रस निकाल लेना है 5 मिलीलीटर की मात्रा में, और साथ ही साथ 2 ग्राम शहद मिला करके अगर आप रोगी को देते हैं तो ये आपके या किसी भी और दोस्तों के मूत्र विकारों में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में सॉल्व करने में ताकत रखता है। खास करके दोस्तों, जो पुरुषों में मूत्र विकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दोस्तों यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से खत्म करने में ये पावरफुल है। दोस्तों, टॉयलेट करते समय आपके मूत्र में कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें इतना पावर है कि आपकी सभी समस्याओं को आसानी से हल कर देगा। दोस्तों, साथ ही साथ फोड़ों के इलाज के लिए भी पत्थर चट्टा का ये पत्ता बहुत ही ज्यादा कारगरशील है। दोस्तों, पत्थर चट्टा के आपको पत्ते ले लेने हैं, जहाँ पे भी आपको फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, आपको वहाँ पर भी पत्थर चट्टा के पत्ते को अच्छे तरीके से कूट लेना होगा। कूटने के बाद में इसमें साथ ही साथ जंगली हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी मंजल भी इसे कहा जाता है, इसमें मिला लेनी है सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी की मात्रा में। 1 चम्मच की मात्रा के आसपास में ये पत्थर चट्टा की चटनी बन जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है 1 चुटकी की मात्रा में कस्तूरी मंजिल ले लेनी है। दोनों को अच्छे तरीके से मिला करके जहाँ पर भी आपको फोड़े और फुंसी हो जाती है वहाँ पर अच्छी तरीके से आप लगा लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ ये बहुत ही कारगरशील, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही उम्दा असर करता है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी फोड़े फुंसी को हटा देगा। दोस्तों, किडनी स्टोन के लिए आप जानते होंगे पत्थर चट्टा के पत्ते बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। मार्केट में होम्योपैथी की बहुत ही पॉपुलर एक मेडिसिन मिलती है जिसका नाम है बल्बेरिस वल्गैरिस। दोस्तों, वो पत्थर चट्टा के पत्तों से ही बनाई जाती है। दोस्तों, जो जर्मन वाली बल्बेरिस जो वल्गैरिस होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, ये पत्थर चट्टा के सामने 10% भी नहीं होती है, इतना बेहतरीन पत्थर चट्टा के ताजे पत्ते फायदा करते हैं। ये पत्थरी को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को इसका सही प्रयोग करने का तरीका नहीं पता होता है। दोस्तों, सही तरीका आप जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। पत्थरी आपको अगर किडनी में है, या फिर आपके यूरेटर में है, या फिर गॉल ब्लैडर में है, पहले मैं बात करता हूँ जिन भी लोगों को किडनी की पत्थरी है। दोस्तों, किडनी के ट्रैक्ट में आपको किसी भी जगह पत्थरी रहती है, यूरेटर में, किडनीज में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, तीनों जगह में से किसी भी जगह में अगर आपको पत्थरी है तो आपको बड़े वाला पत्थर चट्टा का पत्ता ले लेना होगा। आप पूरी तरीके से ध्यान से सुनिए, अगर आप नहीं सुनेंगे और अगर अपने मन से प्रयोग करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पत्ते का यूज करते हैं, वो इतना इफेक्टिव, इतना कारगरशील नहीं होता है। दोस्तों, जो बड़े वाला पत्ता होता है तो ये आपको 2 पत्ते ले लेने होंगे, 2 से अधिक प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना यह आपको चक्कर जैसा आने लगेगा, आपके दिमाग में चक्कर जैसे
आने लगेंगे। बड़े बड़े दो पत्ते आपको सुबह उठ करके खाली पेट चबा करके अच्छी तरीके से खा लेने होंगे। उसके बाद ध्यान से सुनिए आपको क्या करना होगा। जिन भी भाइयों बहनों को माता बहनों को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, पत्तों को चबा करके खाने के बाद दोस्तों आपको मार्केट से किसी भी आयुर्वेदिक की शॉप पे या फिर पंसारी की शॉप पे आराम से जो केले की डंडी होती है जिसको स्टेम अंग्रेजी में कहते हैं, जो बनाना की स्टेम होती है, उसका जो पानी होता है चूर्ण भी मिल जाता है आपको पंसारी की शॉप पे। उस पे आपको ताजे केले की स्टेम उसका पानी मिल जाता है, वो पथरी को हटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसका अगर आपको चूर्ण मिले तो एक एक चुटकी की मात्रा में आपको पत्थर चट्टा के साथ में पानी में अच्छी तरीके से मिला करके, और साथ ही साथ दोस्तों जो पानी आप लेंगे वो पानी जो होना चाहिए वो तांबे के बर्तन का रखा होना चाहिए। जिन भी लोगों को पथरी होती है उन लोगों को कभी भी दूसरे बर्तन का पानी नहीं पीना चाहिए। आप अपने घर में छोटे या बड़े बर्तन में कहीं भी किसी भी एरिया में रख सकते हैं, मगर ये बर्तन जो होना चाहिए वो तांबे का होना चाहिए, यानी कि कॉपर वेसल का होना चाहिए। दोस्तों आपकी जिंदगी में कभी भी दोबारा कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों बड़ी से बड़ी 8 mm 10 mm 12 mm पूरी तरीके से टूट करके पथरी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है सभी चीजों का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखकर करना होगा, किसी भी चीज को स्किप ना करें। दोस्तों उच्च रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही कारगरशील, बहुत ही अच्छे होते हैं पत्थर चट्टा के पत्ते। दोस्तों पत्थर चट्टा के पत्ते अगर आप दिन में 5 से 10 बूंदे अच्छे तरीके से अर्क बना करके ले सकते हैं दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा कारगरशील है और अच्छे लेवल पे बना के रखेगी आपके हाई ब्लड प्रेशर को। दोस्तों ये पूरी तरीके से बैलेंस कर देती है। दोस्तों आपको पत्थर चट्टा के रस निकालने के बाद 5 से 10 बूंदे अगर आप खाली पेट, और दोस्तों आप भोजन करने के बाद में अगर आप 1 हफ्ते भी लेकर देखेंगे और आप अपने ब्लड प्रेशर को नापते रहेंगे तो दोस्तों पूरी तरीके से आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, बहुत ज्यादा सहायता करेगा। दोस्तों ये ल्यूकेरिया में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, जो महिलाओं में ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें ये पत्थर चट्टा का छोटा पत्ता आपको महिलाओं को जरूर सेवन करना चाहिए डेली बेसिस पे 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद में इसका प्रयोग आपको पूरी तरीके से बंद कर देना है। दोस्तों योनि में जो संक्रमण हो जाता है महिलाओं में, ये बहुत ज्यादा उनमें लाभकारी होता है। दोस्तों कई कारणों से महिलाओं को योनि में परेशानी होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाती है वर्जिनल, उसको सही करने में, उससे राहत पाने में इसमें पत्थर चट्टा के पत्ते बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। बस आपको चाहिए क्या होगा, 2 बड़े पत्ते पत्थर चट्टा के और साथ ही साथ 2 ग्राम शहद आपको पत्थर चट्टा के पत्तों से काढ़ा तैयार कर लेना होगा। आपको उसको कूट करके आपको 1 ग्लास पानी में मिला करके अच्छी तरीके से पका लेना है। जब भी आपका पानी 1/4 बचेगा आपका काढ़ा बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बीच में दोस्तों 2 ग्राम शहद मिला करके लेने से दोस्तों भयंकर से भयंकर वर्जिनल से रिलेटेड जितने भी संक्रमण हो जाते हैं वो पूरी तरीके से ठीक होने लगेंगे। दोस्तों पत्थर चट्टा सर दर्द को भी दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता है हेडेक की समस्या को पूरी तरीके से दूर करने में। पत्थर चट्टा के पत्ते आपको पीस लेने होंगे और दोस्तों लेप के माध्यम से आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। इसको लेप लगाने से माथे पे आपका भयंकर से भयंकर सर दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है ये पत्थर चट्टा का पत्ता। दोस्तों आंखों के दर्द में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। पत्थर चट्टा के पत्तों का रस निकाल कर इसे अपनी आंखों के चारों तरफ लगाकर कुछ देर रखना होगा और आप खुद इफेक्ट देखेंगे इसका। जो तेज होने वाला दर्द है आंखों में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों घाव को भरने में भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको घाव हो जाता है तो आपको पत्थर चट्टा का घाव पे ये रस लगाना होगा तो घाव आपका पूरी तरीके से बहुत जल्दी भर जाएगा अगर आप हल्दी के साथ पे लगाते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सारी वीडियोस का लाभ उठा पाए। मिलूंगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।